अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। आज हम बना रहे हैं केसर बादाम मिल्क। ये बहुत ही टेस्टी बनता है फ्रेंड्स, आप भी इसे एक बार ज़रूर ट्राई करें। बहुत ही हेल्दी होता है ये। इसे बनाने के लिए हमने लिया है बादाम, ले लिए है हमने 1/4 कप केसर, 1/4 कप चीनी ले लिए हमने, और बादाम को हमने गर्म पानी में भिगो कर रखा था 5 मिनट के लिए। इस तरह से इसके छिलके हमने निकाल लिए आसानी से। सभी बादाम के छिलके निकाल लिए हमने। दूध ले लेना है 2 गिलास। अब हम इसे मिक्सी के जार में ग्राइंड कर लेते हैं। इसमें हमने थोड़ा सा दूध ऐड करके इसे पेस्ट बना लिया है इसकी। अब हमने एक कढ़ाई में दूध ऐड कर देना है 2 गिलास। इसे हमें 2 मिनट के लिए उबाल लेना है। इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे बादाम की पेस्ट। अब हम इसमें बादाम का पेस्ट ऐड कर देंगे और इसे भी अच्छी तरह पका लेंगे हम 5 मिनट के लिए। स्टर करते हुए हम इसे अच्छी तरह से पका लेंगे। ये देखिए इस तरह से। अब हम इसमें केसर ऐड कर देंगे मिल्क में। इसे भी हमें अच्छी तरह से पका लेना है स्टर करते हुए। मीडियम फ्लेम पे हमें पका लेना है अच्छी तरह। अब हम इसमें 1/4 कप चीनी ऐड कर देंगे और चीनी घुल जाने तक हम इसे अच्छी तरह पका लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, चीनी घुल जाने के बाद हमने 3-4 उबाल ले लिए हैं। अब हम इसमें आखिर में ऐड करेंगे 2 टेबल स्पून मिल्क पाउडर। इससे ये बाजार जैसा ही बनता है फ्रेंड्स। आप भी इसमें 2 टेबल स्पून मिल्क पाउडर ज़रूर ऐड करें और इसे हम घोल कर ऐड करेंगे। इसमें हमने मिल्क ऐड कर दिया है 1 टेबल स्पून। इसे हम अच्छी तरह से इसमें घोल लेते हैं। अब हम इसमें इसे ऐड कर देंगे उबलते हुए दूध में, केसर बादाम मिल्क में। इससे ये बहुत ही अच्छा बनता है फ्रेंड्स, आप भी ऐसा ही करें। इससे बिल्कुल बाजार जैसा ही टेस्ट आएगा। अब हमें इसे सिर्फ 2 मिनट ही पकाना है। अब गैस की फ्लेम हम ऑफ कर देंगे। अब ये हमारा बादाम मिल्क, केसर बादाम मिल्क बनकर तैयार है फ्रेंड्स। आप भी इसे बनाएं और इंजॉय करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। खुदा हाफिज़।